तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मायेनम मायाविनम, ये जो दुष्ट राक्षस है ये मायाविनम, इसके पास में मायावी अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। मायाविनम दृप्तम, अब क्या होता है, शक्तियां तो देवताओं के पास भी होती है, इंद्र के पास भी शक्ति है, ब्रह्मा जी के पास भी शक्ति है, लेकिन अंतर क्या होता है, असुर जो होता है दृप्तम, वो इन शक्तियों के द्वारा गर्वित हो जाता है, फॉल्स प्राइड जिसे कहते हैं, निरंकुशम अनकंट्रोल्ड, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और ये सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। जिसके ऊपर अंकुश नहीं होता है वो सोचता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। ये जो है केवल भगवान की पोजीशन है, भगवान मात्र सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, बाकी सारे जीव जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, ये वेदों में बताया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। भक्त की समझ बड़ी सरल होती है, भक्त जानता है सारे जीव भगवान के ऊपर निर्भर हैं। कई बार हम इतने मूर्ख होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जरूरतों के लिए हमें ही अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो वेद कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमारी जरूरतें कितनी हैं। अफ्रीका के जंगल में ऐसे जंगली हाथी हैं जो एक बार में कई टन भोजन खा लेते हैं। हम कितना टन खाते हैं, एक चार चपाती है ना, चार चपाती, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, सब, उससे ज्यादा हम लोग क्या खाएंगे। मेरे ख्याल से तो एक दो तीन किलो से भी ज्यादा नहीं होगा जो हम खाते हैं। तो जरा सोचिए, एक एक टन, अभी जैसे हम अक्षय पात्र में भोजन देते हैं, कितना देते हैं, एक बच्चे के लिए 100 ग्राम बताया जाए, 100 ग्राम, एक किलो भी नहीं। तो अफ्रीका में जंगल में ऐसे हाथी हैं जो टन टन जो है भोजन एक साथ में खा लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या भगवान जो सभी जीवों की, इतने असंख्य जीव हैं भौतिक संसार में, भगवान उन सबकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो क्या भगवान मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। कि मुझे असुर बनना है, सब कुछ छीनना है दूसरे लोगों से, तो भगवान का भक्त जो है उसको सही समझ है, वो भगवान के ऊपर निर्भर है, अपना कर्तव्य करता है लेकिन निर्भरता भगवान के ऊपर है। ये सभी भक्तों के अंदर में एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। आज हम क्या हो गया है, हमारे पैसों के ऊपर निर्भर है, बैंक बैलेंस है ना, बढ़िया है, बढ़िया है,
मैं शांति से हूँ, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, आसपास में पड़ोसी हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, टेक्नोलॉजी है, घर वाले हैं, पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, है ना, सरकार है, हम इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। असल में हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। वेदों में कहा है, भागवत में खासकर बताया गया है, अपश्यताम आत्मतत्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिना। जो लोग गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन दो प्रकार से जो है मैरिड लाइफ होती है, विवाहित जीवन दो प्रकार का होता है। जिसका विवाह हो गया, सबको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए मैं गृहस्थ हूं, नहीं। और जो भी अनमैरिड है उसको ये नहीं समझ लेना चाहिए मैं ब्रह्मचारी हूं। तो आज लोग ब्रह्मचारी के नाम पर दुराचारी और गृहस्थ नहीं ग्रह मेधी। वेदों में दो शब्द बताए गए हैं, एक होता है गृहस्थ, एक होता है ग्रह मेधी। घर में रह करके जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, एनवियस, मेधी का मतलब होता है एनवियस, उसे कहा जाता है ग्रह मेधी। क्यों एनवियस? क्योंकि मेरा गोल, मेरा लक्ष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या, कॉम्पिटिटर्स, कंपनी से कंपनी में कंपटीशन, एक कंपनी के अंदर में एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के अंदर में कंपटीशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपटीशन, एक देश से दूसरे देश में कंपटीशन, सब देखिए ईर्ष्या। सेंट्रल पॉइंट इसका रीजन क्या है? भौतिक सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति, लाइफ सेंटर्ड अराउंड सेंस एंजॉयमेंट। हमारा जीवन केंद्रित है केवल भौतिक सुखों के लिए, तब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? एनवियसनेस, ईर्ष्या। तो भगवान का भक्त जो है वो इन फालतू के कंपटीशन में नहीं पड़ता है। मेरे पड़ोसी के पास में ये कार है, उसके पास में इतना बैलेंस है, उसकी नौकरी में उसको इतना मिलता है, मेरे पास इतना नहीं है, है ना? मेरा जो सहपाठी था उसको प्रमोशन मिल गई है, मेरे को 5 साल हो गए अभी तक प्रमोशन नहीं मिली है। घर में रहें, ऑफिस में रहें, हर जगह ओनली ईर्ष्या, है ना? ये आज का हमारा जीवन हो गया है। तो हमें समझना चाहिए इसका मतलब क्या है। ये आसुरिक वृत्तियां हैं, दीज आर डिमोनियक टेंडेंसीज। भगवान का भक्त जो होता है भगवान के ऊपर निर्भर है, असुर जो होता है अपने प्रयासों के ऊपर निर्भर है, वो सोचता है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो और असुर जो होता है उसके पास में जब शक्तियां होती है तो वो गर्वित हो जाता है। भगवान का भक्त जब उसके पास में शक्तियां होती हैं तो गर्वित नहीं होता है और विनम्र हो जाता है। कैसे विनम्र हो जाता है? पांडुरंग प्रभु, भक्त के पास में बहुत सारी शक्तियां भगवान प्रदान करता है, भक्त उससे विनम्र क्यों हो जाता है? सेवा के लिए ठीक है लेकिन विनम्र क्यों हो जाता है?
पूरा और थोड़ा कौन बताएगा। भगवान का भक्त सोचता है कि भगवान मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने कृपा करके मुझे प्रदान किया है, तो और ज्यादा भगवान का भक्त विनम्र हो जाता है। देखिए दुष्ट असुर क्या करता है, उसके पास में अगर पावर आती है, शक्ति आती है, गर्वित हो जाता है, माई पावर, मेरी शक्ति, मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता, नो वन कैन स्टैंड बिफोर मी, और क्या करता है, दुरुपयोग। देखिए दो चीजें होती हैं, भगवान का भक्त जब उसको शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और ज्यादा विनम्र हो जाता है, ही बिकम्स मोर हम्बल, क्योंकि सोचता है कि भगवान मैं तो इस काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, आपकी कितनी दया है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बार नारद मुनि जो है ये परखने के लिए कि भगवान का भक्त कितना श्रेष्ठ होता है, भगवान के कहने पर एक गांव में जाते हैं, एक ब्राह्मण से पहले मिलते हैं जो वेदों का पंडित है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वेदों का पांडित्य है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हुई है। तो उसको परखने के लिए नारद मुनि उस ब्राह्मण से कहते हैं, जब वो ब्राह्मण पूछते हैं कि भगवान वैकुंठ धाम में क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि बताते हैं कि भगवान वैकुंठ धाम में एक सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण हंसने लगा, बोला अरे नारद जी आप भी क्या बात करते हो, भला सुई के छेद के अंदर से हाथी को निकाला जा सकता है क्या? फिर बोलते हैं आप ये बताइए, मैं वेदों का पंडित हूं, बढ़िया से वेदों के श्लोकों का उच्चारण करता हूं, मेरी एंट्री कब होगी वैकुंठ धाम में? तो नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण तुम्हें मुझे लगता है कम से कम हजारों जीवन वेट करने पड़ेंगे, 1000 लाइफ यू हैव टू वेट। तो ब्राह्मण बड़ा जो है बड़ा गुस्सा हो गया, कहने लगा कि मैं वेदों का पंडित हूँ, मुझे वेदों का पूरा ज्ञान है और तुम कहते हो कि मुझे 1000 लाइफ टाइम वेट करनी है। तो तभी नारद मुनि को ज्ञात हो गया इस ब्राह्मण के अंदर में श्रद्धा जागृत नहीं हुई है भगवान के प्रति। बाद में वो एक मोची के पास में जाते हैं, उसी गांव में एक मोची था जो एक बरगद पीपल का पेड़ होता है, बड़ा ह्यूज ट्री, बैनियन ट्री बोलते हैं ना, बड़ा, उसके नीचे बैठ करके अपना मोची का काम करता था। तो नारद मुनि उसके पास में जाते हैं, नारद मुनि का वो स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि जरा मुझे बताइए, आप तो भगवत धाम से आ रहे हैं, भगवान वहां पर क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि कहते हैं भगवान वहां पर सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। तो कहते वाह ये तो भगवान की लीला है और इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो भगवान की लीला है। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ब्राह्मण तो बोला कि ये कैसे संभव है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये मोची यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। तो कहते हैं कि जरा मुझे समझाइए इसमें आश्चर्य की बात क्यों नहीं है। तो कहते नारद जी इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यहाँ मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, जरा देखिए अगर भगवान इतने बड़े पीपल के पेड़ को एक छोटे से बीज के अंदर में डाल सकते हैं, तो
तो क्या भगवान एक बड़े हाथी को एक छोटे छेद में से बाहर नहीं निकाल सकते? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो कहते हैं, पूछते हैं कि नारद जी मुझे कृपा करके बताइए, मैं भगवत धाम को वापस कब जाऊंगा? तो कहते हैं कि आप इस जीवन के उपरांत, मरने के पश्चात, ये शरीर छोड़ने के पश्चात सीधा वैकुंठ लोक में एंट्री। तो कूदने लगते हैं एक्सटेसी में, आनंद विभोरा करके, भगवान की देखिए लीला, मैं तो नालायक हूं, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान की लीला देखिए, भगवान की कृपा देखिए मेरे ऊपर। ये भगवान का भक्त सोचता है। देखिए उस ब्राह्मण में और भगवान के भक्त में कितना अंतर है। वो ब्राह्मण जो है वेदों का पाठ पढ़ करके सोच रहा है कि ये तो मेरा राइट है, इट इज माई राइट। आजकल लोग बोलते हैं ना, मेरा अधिकार है, हमें अपना अधिकार लेना है। भगवान का भक्त जो है उसको अधिकार नहीं सोचता है। भगवान का भक्त तो सोचता है कि मैं तो नालायक हूं, भगवान की कृपा है। अगर भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन के बाद मैं भगवत धाम में प्रवेश करूंगा, ये तो भगवान की ही लीला है। ये भगवान के भक्त में अंतर होता है। देखिए वो ब्राह्मण गर्वित है, मैंने वेदों का पाठ पढ़ा है, ये सब मुझे ज्ञान है। भगवान के भक्त के पास में ज्ञान हो, शक्ति हो, ऐश्वर्य हो, वो समझता है मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान ने टेम्परेरीली दिया है। अगर भगवान चाहेंगे कल ले भी लेंगे, हमें नहीं सोचना चाहिए परमानेंट हो गया मेरे पास में। अर्जुन ने भागवतम में क्लियरली समझाया है, ऐसा मत सोच लो परमानेंटली हो गया है। अर्जुन भगवान के जाने के पश्चात में ग्वाल लोगों से हार गए और अर्जुन विलाप कर रहे हैं कि वही अर्जुन हूं मैं जिससे देवता भी घबराते थे, देवता भी थर थर कांप जाते थे अर्जुन को देख करके, इतनी शक्ति थी अर्जुन के अंदर में। और वो कहते हैं वही गांडीव धनुष है, वही मेरा रथ है, सब कुछ वही है, वही अर्जुन मैं हूं, लेकिन शक्ति विहीन, कहां है मेरी शक्तियां? कुछ मूर्ख ग्वाल लोगों से मैं हार गया, क्योंकि जब तक जरूरी थी तब तक भगवान ने मुझे शक्ति प्रदान की, और जब भगवान ने सोचा कि अब जरूरत नहीं है, शक्ति वापस ले ली। तो ये हमें समझना चाहिए, भगवान का भक्त जो है जो भी उसके पास है वो भी समझता है कि ये भी भगवान का दिया हुआ ही है। पॉकेट मनी जो बेटे के पास में है वो उसकी मनी नहीं है, उसने बचत जरूर की है वो दूसरी बात है, लेकिन दी किसने है? पिताजी ने दी है। इसी प्रकार से अपने कर्म से हो सकता है कि ये दुष्ट लोग सोचते हो मैंने अपना कर्म किया था, लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला तो वही है ना। तो ये हमें समझना है। तो असुर में और भगवान के भक्त में ये अंतर होता है। तो असुर गर्वित हो जाता है और बाद में क्या करता है? दुरुपयोग करता है उसका। अभी देखिए सारी शक्तियां लेकर के पिछले वाले आपने श्लोक में पढ़ा होगा, तात्पर्य में भस्मासुर के बारे में पढ़ा होगा, असुर के ये लक्षण होते हैं, जिससे भी शक्ति प्रदान करता है उसको भी नहीं छोड़ता है। भस्मासुर ने शिवजी से, उनके आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त की, किसी के सर के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए उसका नाम भस्मासुर था। अब पहला एक्सपेरिमेंट वो शिवजी के ऊपर करना चाहता है, आपने मुझे शक्ति प्रदान की, अब मैं एक्सपेरिमेंट आपके सर के ऊपर करूंगा। अब शिवजी भाग रहे हैं कि दुष्ट को मैंने क्या दे दिया, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद दिया है वो तो विफल जाने वाला नहीं है। तब भगवान ने आकर के जो है उनकी रक्षा की। भगवान जो है एक बालक के रूप में आए और कहा कि क्या आप शिवजी के शब्दों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? शिवजी के शब्दों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है।
बोला और कहा कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो अपने सर के ऊपर हाथ लगा के देखो। तो भस्मासुर ने तब अपने सर के ऊपर हाथ लगाया और भस्म हो गया। तो ये असुर देखिए किस प्रकार के होते हैं, शक्ति मिलते ही गर्वित हो सकता है। देखिए ये शुद्ध भक्त में भी, और जो थोड़े नियोफाइट भक्त होते हैं वो भी क्या करते हैं, दुख आया भगवान की पूजा कर ली, भगवान मेरे दुख दूर कर दो, भगवान ने दुख दूर कर दिए, कौन भगवान, कौन याद करता है फिर भगवान को, देखिए भूल गया फिर भगवान, कष्ट चले गए भगवान को भी भूल गया। ये शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। भगवान का भक्त देखिए, सुख आया भगवान मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, आपने इतने सारे सुख प्रदान किए हैं, इतने ऐश्वर्य इतनी शक्ति प्रदान की है। दुख आया भगवान ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपकी कृपा है। भगवान की कृपा क्यों? हाँ, भगवान जो है भक्तों के लिए भारी मात्रा में हमने जो पाप कर्म किए हैं, लोग आप देखिए पल पल लोग दुखी हैं, एवरी मोमेंट लोगों में जो है कष्ट भरे हुए, जीवन में चिंताओं से भरे हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। कम से कम हमें समझना चाहिए भगवान ने अपने भक्त के जीवन से कम 90% तो निकाल दिए हैं ना, एक 10% भगवान ने सैंपल की तरह छोड़े हैं, वो तो हमें थोड़ा सा लेना चाहिए कि भगवान आप इतने दयालु हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणः भुंजानु एव कृतं विपाकम्। भगवान ये तो मैं अपनी करनी के फल भर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, मैंने करनी की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तो आपकी अनुकंपा है, आपकी कृपा है कि आपने जो है पूरा कर्म मुझे नहीं दिया है, थोड़ा उसका सैंपल मात्र दिया है। और भगवान का भक्त जो है वो समझता है कि जब दुख भी आता है वो भी एक प्रकार से भगवान को, अगर किसी परिस्थिति के द्वारा अगर भगवान को मैं याद कर सकता हूँ तो क्या वो एक प्रकार से सौभाग्य का अवसर नहीं है? इज इट नॉट अ बेनिडिक्शन, क्या वो आशीर्वाद नहीं है? मान लीजिए मेरे जीवन में जब मैं सुखी था भगवान की याद ही नहीं आ रही थी, याद ही नहीं करते हम लोग भगवान को, पैसा है धन दौलत है कौन भगवान, मौज में हूं मैं, दुखी लोग भगवान को याद करते मैं क्यों करूं? तो मतलब क्या है, वो सब धन दौलत बेनिडिक्शन नहीं है, कर्स है, शाप है, क्योंकि उस धन दौलत के कारण, उस ऐश्वर्य के कारण भगवान को ही नहीं याद कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो मेरे हाथ से निकल गया और कम से कम मुझे भगवान की याद आ गई और भगवान के नाम का मैं जप कर रहा हूं, तो इट इज अ ग्रेट बेनिडिक्शन, ये तो बड़ा भगवान का जो है एक प्रकार से कृपा है। क्योंकि अगर हम भगवान को याद करेंगे, न पुनर्भव दर्शनम, भगवान के दर्शन करेंगे तो संसार के दर्शन दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे। कितना बढ़िया जो है श्लोक में बताती है, भगवान के दर्शन कर लिए तो संसार के दर्शन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर दुख के द्वारा हमें भगवान की याद आती है, भगवान का स्मरण हम करते हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए कि भगवान ये तो बढ़िया आपकी कृपा है, कम से कम मैं तो इतना मूर्ख था। परीक्षित महाराज ऐसा सोच रहे हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों शाप रूपम, भगवान उस बालक ब्राह्मण के शाप के रूप में आप ही मेरे सामने प्रस्तुत हैं। निर्वेद मूलम, क्यों? क्योंकि भगवान मैं पूरे जीवन में अनेकों प्रकार के सुखों से आसक्त था, अपने राज्य से आसक्त था, अपने घर बार से आसक्त था, लेकिन आपने मुझे निरासक्त बनाने के लिए, निर्वेद मूलम, निरासक्त बनाने के लिए ब्राह्मण के शाप के रूप में आप जो है प्रकट हुए हैं।
कितने दिन एंजॉय करोगे परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, प्रिपेयर फॉर योर डेथ नाउ, एट लीस्ट नाउ। पूरी जिंदगी तो तुमने प्रिपरेशन नहीं की, अब केवल 7 दिन बाकी हैं, अब तो कम से कम प्रिपरेशन कर लो। वो बड़े धन्यवाद देते भगवान खुश, कम से कम 7 दिन का आपने जो है मुझे गारंटी दे दी कि 7 दिन बाकी है, है ना। हमें एक मोमेंट की भी गारंटी नहीं है, नॉट इवन वन मोमेंट। तो ये हमें समझना चाहिए, भगवान का भक्त जो होता है उसके अंदर में लक्षण किस प्रकार के होते हैं, और जो अभक्त होता है, जो असुर होता है, उसके लक्षण किस प्रकार के हैं। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इसी श्लोक में, एक तो बताया गया है निरंकुशम दृप्तम, दृप्तम का मतलब जो गर्वित है, एरोगेंट, निरंकुशम जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, असत्तमम मोस्ट विकेड सबसे ज्यादा दुष्ट, दुष्टों में भी दुष्ट, जैसे बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं ना, वर्स्ट। ये जो हिरण्याक्ष है उसकी वृत्ति कैसी है, वर्स्ट, क्योंकि उसके दिल के अंदर में, मन में दया का भाव है ही नहीं, नो मर्सी फॉर एनीवन। जैसे सांप होता है ना, ये उदाहरण यहां पर दिया गया है, अक्रीड़ा बालवत देवा यथा विश्वम उत्थितम। तो अशी विषम का मतलब होता है सर्प, सांप जो होता है वेरी एनवियस, बड़ा ईर्ष्यालु होता है, वो ऐसा प्राणी माना जाता है जो बहुत ईर्ष्यालु होता है, वेरी एनवियस, बिना बात काट लेता है, बिना किसी वजह के काटता है। तो प्रहलाद महाराज जब उन्होंने नरसिम्हदेव से ये प्रार्थना की, नरसिम्हदेव ने उनके पिता हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था, और उसके बाद भी बहुत देर तक भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। जरा देखिए कितना दुष्ट था हिरण्यकश्यपु कि भगवान उसको मारने के बाद भी शांत नहीं है, कितना दुष्ट रहेगा। जब बहुत कोई व्यक्ति दुष्ट होता है आपका गुस्सा कम नहीं होता है ना। तो हम समझ सकते हैं भगवान का क्रोध मारने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने इतना तड़पाया था प्रहलाद महाराज को कि नरसिम्ह जो है उसको मारने के बाद भी शांत नहीं है। इतना उसने जो है उनके भक्त के साथ में इतने प्रकार के अपराध किए थे। तो जब भगवान ने, नरसिम्ह ने जब हिरण्यकश्यपु का इस प्रकार से वध कर दिया और भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, तब प्रहलाद महाराज जो है प्रार्थना में कहते हैं मोदेरपि साधु वृश्चिका सर्प हत्या। एक साधु भी खुश होता है जब बिच्छू या सर्प की हत्या होती है। देखिए साधु, साधु जो होता है एक चीटे को भी मारना नहीं चाहता है, डज नॉट लाइक टू किल इवन एन एंट, एक चीटे को भी मारना नहीं चाहता है, लेकिन वो भी प्रसन्न होता है जब ईर्ष्यालु सांप और बिच्छू की हत्या होती है। मोदेरपि साधु वृश्चिका सर्प हत्या, क्योंकि उसके गुण ही उस प्रकार के होते हैं। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य पंडित तो कंपेयर करते हैं कि दो प्रकार के ईर्ष्यालु जीव हैं। वो कहते हैं सर्प खलव, एक सर्प है और एक मनुष्य है। तो वो कहते हैं मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा
हम जो है सर्प को कैसे ना कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जहरीला सांप जो होता है उसको सपेरा क्या करता है, उसके जहरीले दांत को तोड़ देता है, तब वो विदाउट पॉइजन हो जाता है, तब खेल की वस्तु बन जाती है। देखा है ना आपने, सपेरा क्या करता है, सांप को छोड़ देता है और बच्चों के बीच में जा रहा है, बच्चे लोग घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की एक्चुअली कोई बात नहीं है क्योंकि उसके जहरीले दांत जा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं जो मनुष्य उसके अंदर में ईर्ष्या आ गई है, जैसे हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष, किम निवारयेत, उसकी क्या सॉल्यूशन है, वो तो अनकंट्रोल्ड है, उसके ऊपर कोई सपेरा नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके, उसके सर्प रूपी दांत जो है बाहर निकाल सके। करेक्ट है ना, सर्प के अगर आपने जहर निकाल दिया, सर्प के अगर आपने वो जहरीले दांत निकाल दिए, देन इट इज आपको कोई जो है उससे हानि नहीं होने वाली है ना। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सांप की भांति ईर्ष्या है, एनवियसनेस है, उस व्यक्ति का हम जहर कहां से निकालेंगे, उसको कहां से कंट्रोल में करेंगे। तो उसके लिए क्या है निश्चित, ही हैज टू बी वैंक्विश्ड। यही उदाहरण यहां पर दिया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ये तो सांप है, आप सांप के साथ खेल रहे हैं, सांप क्या खेलने की चीज होती है। यहां पे क्या कहा है, अक्रीड़ा बलवत देवा, भगवान इसके साथ में क्रीड़ा मत करो। जैसे बालक सांप के साथ में क्रीड़ा करता है, उसके साथ में क्रीड़ा मत करो, ये तो सांप है, इमीडिएटली इट शुड बी किल्ड, तुरंत जो है हमें इसे मार देना चाहिए। तो एक बार क्या था, टाइम करीब 5 मिनट, प्रभुपाद जब अपने गृहस्थ जीवन में थे तो अपने गुरु से मिलने के लिए प्रभुपाद मायापुर गए, चैतन्य मठ है तो वहाँ पर प्रभुपाद जी थे और अपने जो है स्नान घर में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने बाहर से कुछ आवाज़ सुनी, बाहर कुछ लोग जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर सांप था जो लोगों के बीच में जो है वहाँ पर आ गया था और लोगों को डरा रहा था और डसने की कोशिश कर रहा था। तब उनमें से कुछ डिसाइपल्स जो है वो कन्फ्यूजन में थे, क्या करना है, साधु को तो किसी को मारना नहीं है, है ना, साधु का मतलब है सुहृदम सर्वदेहिना, सभी जीवों के लिए उसका हृदय दया से भरा हुआ है, हे सांप मेरा हृदय दया से भरा है, है ना, तो ऐसे ही सोच रहे हैं, सुहृदम सर्वदेहिनाम। और दूसरा अजात शत्रु, भगवान का भक्त जो है वो किसी का शत्रु नहीं होता है, लोग उसके शत्रु बन जाते हैं, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी का शत्रु नहीं है, है ना। तो ऐसा सोच करके वो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के पास में गए, हमें क्या करना है, वहां पर इस प्रकार से सांप आ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं किल इट इमीडिएटली, तुरंत उसे मार दो। तो प्रभुपाद जो है सोचने लगे, साधु माय स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने जो है सांप को मारने का आदेश दे दिया। तो उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने डायरेक्टली जाकर के पूछा नहीं, भगवान क्या है, जो सिंसियर डिवोटी है उसके मन में अगर कोई डाउट आता है भगवान खुद उसको दूर करते हैं। उसके कुछ दिनों के पश्चात प्रभुपाद जी जब भागवतम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी ने यही श्लोक पढ़ा प्रह्लाद महाराज का, मोदेरपि साधु वृश्चिक सर्प हत्या। प्रह्लाद महाराज भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप क्यों क्रोधित हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, साधु भी खुश होता है, साधु भी खुश होता है जब बिच्छू और सर्प की हत्या होती है।
ये तो भगवान का एक महत्वपूर्ण काम भी है, हम जानते हैं भगवान क्या कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृति जो है उसके लिए और कोई नहीं है, नो अदर मेथड फॉर इट। जो वीड्स होती हैं, जो जड़ से सबको खा लेती हैं, उसको निकालना ही पड़ता है। अगर आप सोचोगे नहीं छोड़ देंगे तब आपको फसल नहीं मिलेगी। आपने गेहूं लगाया है, अनाज लगाया है, चावल लगाए हैं आपने खेत के अंदर में, और वीड्स को भी छोड़ देंगे, आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, देन यू कैन अलाउ ऑल दिस नॉनसेंस एलिमेंट टू ग्रो, सोसाइटी में बढ़ते रहो, चोर उचक्के सब लोगों को बढ़ावा, कोई नहीं आजकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। उस प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है। परीक्षित महाराज एक गाय की कोई हत्या करना चाहता था, कली पुरुष गाय को बैल को जो है चोट पहुंचा रहा था, परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल ली तुरंत और कहा, दुष्ट तू क्या सोचता है कि भगवान कृष्ण जाने के पश्चात गाय और बैल की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है? तो देखिए, कोई जानवरों को भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, आज क्या होता है हमारे सामने कोई किसी को चाकू मार देखने वाला नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण हमें समझना है, दुष्कृति को अगर हम बढ़ने देते हैं अधर्म फैलेगा, धर्म नहीं फैलेगा। अधर्म फैलेगा तो क्या होगा, पूरे वातावरण में अशांति छाई रहेगी, उपद्रवी एलिमेंट्स जब तक रहेंगे सोसाइटी में तब तक अशांति रहेगी। तब हम लोग सोचेंगे भाई बढ़िया बात है, कल से तलवार निकाल लेंगे हम लोग भी, चलो उपद्रवी लोगों को मारेंगे। नहीं, कलयुग के अंदर में भगवान ने इस प्रकार से उनको मारने की जो है अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अगर हमें असुरों को मारना है तो पहले हमें भी मरना पड़ेगा। रेडी है क्या? हम भी असुर हैं, हमारे अंदर में भी थोड़े देवताओं के गुण हैं लेकिन असुर के गुण भी हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमें मारना है हथियार के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, तो सबको मारना पड़ेगा, पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। इसलिए कलयुग के अंदर में भगवान जो है संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधशः। कलयुग में भगवान आसुरिक वृत्ति को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मारते हैं। तो हमें यही करना है, अगर असुरों को मारना है हरिनाम संकीर्तन करो, आसुरिक वृत्ति अपने आप चली जाएगी। आज से लगभग 500 साल पहले बताया जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के लिए निकलते थे तो मलेच्छ लोग जो थे उनकी जुबान भी नहीं रुकती थी, और वो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो भी जप कर रहे हैं। तो वो चांद काजी के पास में जाकर के पहुंचते हैं और चांद काजी देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये लोग भी भगवान के नाम का जप करने में लगे हैं। तो ये हरि नाम संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे दुष्ट व्यक्तियों को इंसान बना दिया हैवान से, हरि नाम आंदोलन के द्वारा। तो हम सब भक्तों की यही जो है जिम्मेदारी है, हमें जो है हरि नाम की तलवार लेनी है और इस हरि नाम की तलवार के द्वारा आसुरिक वृत्तियों का वध करना है। डिमोनियक टेंडेंसी हमारे मन से जब मर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम डिवाइन हो जाएंगे, हम देविक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ओरिजिनली सभी भगवान के अंश हैं। अज्ञानतावश
आज हम भगवान से अलग हो करके अनेकों प्रकार के अनर्थ हमारे मन के अंदर में है, हमारे जीवन में है। हरि नाम के द्वारा सबसे पहले क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो एक छोटा सा काम सभी को करना है, जितने भी लोगों से हम मिलें, जहां पर भी मिलें, जिससे भी मिलें, एनी वन यू मीट, जस्ट ट्राई टू मेक देम कृष्णा कॉन्शियस। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आजकल आपने देखा होगा ना, लोग जो हैं अनेकों प्रकार के जो हैं स्लोगन बना करके अपना एक कार्य बनाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है स्वच्छ भारत, है ना, ये टाइटल है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, और सब जगह लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी दिया है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको बोलना यारे कहो तारे देखो कृष्ण उपदेश, सबके लिए स्लोगन ऑलरेडी है, सबके लिए आदेश दिया हुआ है भगवान ने। मनुष्य जन्म पाई लो यार, भारत भूमि, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करना है, करो परोपकार और दूसरों का परोपकार करना है ना। देखिए हम लोग जो है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग बड़े, आपने देखा होगा लोगों के अंदर में जागृत हो जाती है एनर्जी, हमारे में वो एनर्जी होनी चाहिए लोगों को कृष्णा भावनामृत बनाने के लिए। आप देख रहे हैं ना दंगे कैसे होते हैं, लोग भाग रहे हैं तलवार लेकर के, रोज न्यूज़पेपर में आता है आपने देखा होगा, तलवार लेकर के निकल रहे हैं लोग मारने के लिए एक दूसरे को। उसी प्रकार से हमें संकीर्तन लेकर के निकलना है मृदंगा करताल सब लेकर के, ये औजार लेकर के निकलना है, ऑटोमेटिकली जो है लोगों के अंदर में शांति आ जाएगी। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को तो सख्त रहना है, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्षत्रिय का काम है उपद्रवी का जो है विनाश और धर्म की रक्षा, ये भगवान का कार्य है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, और कलयुग में दुष्टों का विनाश सबसे बढ़िया तरीका हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।